थैंक यू गाइस मेरे दोस्त अपने पूरे करने के लिए ट्रैकिंग और व्लॉगिंग तो ऐसे स्टार्ट हुई हमारी जर्नी कोलकाता से ट्रेन ऑटो और एक बस पकड़ के 32 घंटे की जर्नी करके हम लोग पहुंचे पोखरा सिटी गुड मॉर्निंग अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और यहाँ से व्यू एकदम मस्त ये है आपका पोखरा लेक और अभी रेडी हो लेते हैं ब्रेकफास्ट करेंगे फिर आपसे मिलते हैं रोड इसी सड़क है यहाँ पर और देखते हैं बहुत घूमने के तो बहुत जगह है लेकिन पोखरा से अभी निकलेंगे हम होटल से निकल गए अभी चलते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए तो चंदन दा अभी क्या प्लान है हमारा अभी हमारा प्लान है हम यहाँ पर नेपाल गवर्नमेंट का जो परमिशन ऑफिस है वहाँ पर जा रहे हैं अच्छा वहाँ परमिट लेकर हम सीधा निकलेंगे नयापुल के ओर नयापुल से हमको 2-2.5 घंटा रहेगा फुलेरी पहुँचने का फुलेरी अच्छा वहाँ पर ट्रेक शुरू करेंगे आज ही अच्छा आज ट्रेक करके उलेरी जाएंगे अच्छा अभी तक का यही प्लान है अभी तक का प्लान और लंच लंच रास्ते में होगा अच्छा अच्छा ट्रेक ट्रेक रूट में मिल जाएगा शायद वो नयापुल में ही लंच होगा अच्छा ऐसा प्लान है ठीक है तो एकदम कोथाय जाछी हमरा जाछी ऑन परमिट ऑफिस नेपाल परमिट ऑफिस में हम लोग बुरे फंस गए 100 इंडियन रुपीस का नोट नेपाल में हर कहीं चल जाता है लगभग हर कहीं लेकिन अगर आप कोई भी गवर्नमेंट नेपाल गवर्नमेंट का कोई ऑफिस जाएंगे तो वहाँ पर सिर्फ नेपाली करेंसी ही वो लोग लेंगे अभी आ गए हैं इमिग्रेशन ऑफिस लेकिन थोड़ा सा दिक्कत हो गया है कि यहाँ पर ओनली नेपाली करेंसी ये लोग लेते हैं और यही एक्सचेंज करने के लिए भी जाना पड़ेगा अगर आप लोग कभी आए तो इमिग्रेशन ऑफिस आएंगे तो नेपाली करेंसी लेके ही आना इमिग्रेशन के झंझट में थोड़ा टाइम वेस्ट हो गया अभी पोखरा से निकल गए हैं और ट्रैकिंग पॉइंट की तरफ जा रहे हैं नयापुल जा रहे हैं वहाँ से आज ट्रैकिंग करेंगे बहुत ही लेट हो गया है शुरू हो गया है कहाँ जा रहे हैं हम अभी फुलेरी अभी हम लोग चेक पोस्ट हैं आईडी चेक कर रहे हैं और अभी बहुत लंबा रास्ता जाना बाकी है चलो चलते हैं और ये हमारे कैप्टन सब लोग कैप्टन हैं लग रहा है पूरा सारी रात ट्रैकिंग करना पड़ेगा
रात के 8 बज गए थे और हम लोग उल्लेरी पहुंच नहीं पाए। तो उल्लेरी से पहले एक स्टॉप है तीखेदुंगा, तो वहीं पे हम लोग रुक गए।